Hey guys, welcome back to another episode of Lictionary. मैं स्नेहिता, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल. मैं इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मैं एक कोर्स कर रही थी जिसके चलते मैंने वीडियो बनाना अभी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए. तो आज मुझे मौका मिल गया एंड मैंने हाल ही में रिसेंटली जो मूवी रिलीज़ हुआ है वो भी देखी, तो मैं सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए. तो चलिए शुरू करते हैं मेरी वीडियो. नाम से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सी मूवी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ. हाँ, अनुष्का शेट्टी एंड आर मधुवन की स्टारिंग जो मूवी है साइलेंस और निशब्दम, जो कि तमिल, तेलुगू एंड इंग्लिश में रिलीज़ हुआ है 2 अक्टूबर को ही अमेजन प्राइम वीडियो में, उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ. दूसरी ओर हॉलीवुड एक्टर माइकल मैडसन को देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में है, जैसे किल बिल 1, 2 एंड अगर बात करें जेम्स बॉन्ड की तो जेम्स बॉन्ड की डाई अनदर डे, इन सब मूवी में को देखा गया है. और भी बहुत सारे मूवीज़ हैं, अभी मैं कितनों का नाम लूँ. मूवी स्टार्ट होती है सिएटल की एक वुड साइड विला नाम की एक कॉटेज से, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है और जो भी वहाँ पे रहते हैं उनका मर्डर हो जाती है. उस विला के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस नोट किए गए हैं पुलिस रिकॉर्ड में. उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुष्का शेट्टी एंड आर माधवन, जो कि हाल ही में शादी के लिए फ़ैसला कर चुके होते हैं और इस विला में जाते हैं एक स्टे करने के लिए हॉलीडे टाइप के. एंथनी जो कि माधवन ने एक्ट किए हैं एंड साक्षी जो कि अनुष्का शेट्टी ने एक्ट किए हैं, ये दो कैरेक्टर जब उस विला पे एंटर करते हैं तो एंथनी का कुछ ही देर में मर्डर हो जाती है एंड अनुष्का शेट्टी मतलब साक्षी उस घर से बाहर आती है दौड़ के. ऐसा लगता है कि वो किसी और से डर के बाहर आ रही है एंड वो फिर एक कार से टकरा जाती है एंड हॉस्पिटलाइज होती है. उसके बाद पुलिस के साथ उसका इंटरोगेट होती है और वो बताती है ऐसे कि वो बता नहीं सकती क्योंकि वो डेफ और डम होती है इस मूवी में, तो वो अपने साइन लैंग्वेज में प्रिटेंड करते हैं और बोलते हैं कि उसने मर्डरर को देखा है, वो कोई भूत का काम या फिर कोई घोस्ट का काम नहीं है, किसी ने एंथनी को मर्डर किया होता है. Your wish is my command. Josephine Wood, ikkadunnava. मूवी का अगला टर्न तब आती है जब सोनाली नाम की एक लड़की जिसे एक्ट की है शालिनी पांडे ने, वो गायब हो जाती है, जो कि साक्षी के बचपन की दोस्त होती है और उसका बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप, जो कि साक्षी को लेके बहुत पॉजिटिव होती है. वो एंथनी की मौत के जस्ट 2 दिन पहले ही गायब हो जाती है. तो वो क्यों गायब हो जाती है और कहाँ गायब हो जाती है और क्या उसके साथ एंथनी के मौत की कोई भी रिलेशनशिप है कि नहीं, ये सब देखने के लिए इस मूवी को देखना बहुत ज़रूरी है. ये मूवी मुझे अच्छा लगा लेकिन मैं कहती हूँ कि ये मूवी 1 time watch है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है. तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में. तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल बटन है उसको दबाइए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तुरंत देख सकें. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम.